महाराज का बड़ला रियाबड़ी में चल रही श्री राम कथा के सातवें दिन जोधपुर के रामस्नेही संत अर्जुन राम महाराज ने भरत चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि प्रभु श्री राम जी के अनेक भक्त हो गए हैं, लेकिन भरत जी उन सब में विलक्षण हैं। श्री भरत का भातृ प्रेम, त्याग, समर्पण, नियम, व्रत सेवा इत्यादि सब कुछ अद्भुत है। अयोध्या की संपूर्ण राज्य सत्ता सहज में प्राप्त होने पर भी उसका त्याग करके राज्य सिंहासन पर श्री राम की चरण पादुका विराजमान कर 14 वर्ष तक निष्काम भाव से अयोध्या की सेवा करना संपूर्ण विश्व में अद्वितीय उदाहरण है। वर्तमान समय में मानव समाज को श्री भरत जी के गुणों से सीख लेनी चाहिए कि परिवार में धन से अधिक महत्व पारिवारिक सौहार्द और प्रेम को देना चाहिए। छापला से पधारे हुए संत श्री हनुमान दास जी महाराज ने भी पीलो प्याला हो मतवाला, प्याला नाम अमीरस का भजन गाकर सत्संग श्रवण करवाया। पुष्कर से आए हुए आचार्य श्रीदास जी महाराज ने श्रोताओं से कहा कि जगत में अनासक्त भावना से रहना और परमात्मा से भक्ति भावना से जुड़कर रहना, इसी में जीवन की सार्थकता है। कथा में नागौर के रामनामी महंत मुरली राम महाराज, पुष्कर के संत राजा राम महाराज इत्यादि संतों का पदार्पण हुआ। महंत बोलता राम महाराज, संत सन्मुख महाराज, संत माणक राम महाराज, संत केशवदास महाराज, संत आसाराम महाराज इत्यादि संत एवं सभी श्रद्धालु भक्तों के द्वारा आयोजित श्री राम कथा में अनेक श्रद्धालु कथा रस का पान कर रहे थे। लखन सेवा